वेलकम टू अनदर हॉरर वीडियो। आज की सब कहानियां अमेरिका में रहने वाले लोगों की हैं। ये औरत कहती हैं कि कॉलेज के कुछ अरसे बाद मेरी शादी हो गई और हमने एक बेसमेंट वाला अपार्टमेंट लिया क्योंकि हमारे बजट में वही दस्तयाब था। कहा जाता था कि इस जगह पर एक बदरू रहती थी जिससे मेरी बीवी काफी खौफजदा थी। वो जो भी महलूक थी इसने हम पर वाजिया किया कि वो वहाँ अकेली रहना चाहती है। कई दफा हमारे बर्तन, शीशे की चीजें और दीगर चीजें उड़कर गिर जाती। मेरी बीवी को कई दफा मारा गया। एक नागवार एहसास होता जैसे हमें कोई देख रहा हो। जब हम रात को अपार्टमेंट में घूमते तो रोशनी का एहसास होता जैसे छोटी छोटी चमकदार रोशनियां कमरे को रोशन कर देती। एक रात जब हम अपने कमरे में सोने जा रहे तो हमें एक आवाज सुनाई दी, मेरा नाम। मेरी बीवी ने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ। मैंने ऊंची आवाज में कहा, तुम समझ गए हो बट। और फिर दो दिन बाद हम उस घर से चले गए, फैमिली के साथ रहने लगे। इस घर की मालिक जो एक बूढ़ी हतवन थी कुछ माह बाद चल बसी और मकान खाली हो गया और वो जगह आज तक खाली है। घास और दरख्तों के अलावा वहाँ कुछ नजर नहीं आता। मैं अब भी वहाँ से गुजरता हुआ उस जगह को देखता हूँ। दूसरी कहानी है, ये कहते हैं कि मैं अस्पताल के लॉकअप यूनिट में फॉरेंसिक नर्स के तौर पर काम करता था। एक दफा हमारे पास एक बुढ़ी औरत आई जो कसम खाती थी कि इसको एक शैतान तंग करता है और यहाँ तक कहा कि इस शैतान ने बुढ़ी औरत का रेप किया। इसका नाम वो टाइबेरियस बोलती थी। जब वो यूनिट में थी तो बहुत सी अजीबोगरीब चीजें हुई। हम कमरे में जाते मामूल की देखभाल करते और राउंड लगाकर वापस चले जाते और कुछ वक्त बाद वो बुढ़ी औरत खौफनाक चीखें मारना शुरू कर देती। हम कमरे में भागते तो ऐसा लगता जैसे वो बॉक्सिंग कर रही हो। खून आलूद होंठ, काली आंखें और उसके पूरे जिस्म पर निशानात होते। अभी किसी ने इसे खुद के साथ ये काम करते हुए नहीं देखा। चीजें खुद बहुत कमरे में घूम जाती। फिर हमने इसको बांध दिया। डॉक्टर का कहना था कि वो खुद को खुद नुकसान पहुंचाती है और कोई तरीका नहीं था कि वो खुद को इन पाबंदियों से छुड़वाती, लेकिन फिर भी इसके जिस्म पर निशानात मिलते। वो कमरा मुकम्मल तौर पर महफूज था, वहाँ कोई न आ सकता था न जा सकता था। जब हम पूछते कि ये किसका काम है तो वो टाइबेरियस का नाम लेती। हॉस्पिटल से उस औरत के चले जाने के बाद भी वो कमरा अजीबोगरीब हालात पेश करता रहा। कोई तेज रद्देमल आता, कोड चेंज हो जाते और रात को एक गार्ड ने वहाँ रोशनियों को देखा जैसे कोई लाइट ऑन ऑफ कर रहा हो। वो कमरा हॉन्टेड था या उस बुढ़ी औरत की वजह से वह कुछ पता न चला। और कुछ अरसे बाद मैंने दूसरे हॉस्पिटल में ड्यूटी कर ली। तीसरी स्टोरी में इनका कहना है कि मेरे वालिद एक गांव के जेल में अफसर के तौर पर काम करते थे। एक दफा इनकी शिफ्ट वहां भागे हुए कैदियों की हाली इमारत पर लगी। ये एक बोरिंग काम था। एक रात मेरे वालिद एक पहाड़ी पर गाड़ी रोककर एक मैगजीन पढ़ रहे थे जब इन्होंने महसूस किया कि इनकी दिल की धड़कन काफी तेज होगी जैसे कोई इंतहाई लाउड स्पीकर ऑन हो। मेरे वालिद ने बैक मिरर से पीछे देखा तो उन्होंने गाड़ी के बाहर किसी को देखा। मेरे वालिद ने अपना रिवॉल्वर उठाया और गाड़ी से बाहर आ गए। तब इन्होंने महसूस किया कि ये मुकामी अमरीकियों का जुलूस है जो गाड़ी के जरिए चल रहा था और जहाँ बैठे थे एन उसी जगह पर खत्म हो गया। इन्हें यकीन हो गया था कि वो भूत थे लेकिन इनमें से बहुत से चेहरे नजर आ रहे थे। कुछ देर यह सिलसिला चलता रहा और फिर जुलूस गायब हो गया। मेरे वालिद ने अपने दूसरे साथी को वॉकी के जरिए जब इत्तला दी तो उस लड़के ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बाद में पता चला कि वो आदमी रोज उस जुलूस को देखता था पर वो भूतों पर यकीन नहीं रखता था इसलिए उसने किसी को बताया भी नहीं। तो ये थी आज की कहानियां। आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।